जब चमार और पाची दोनों एससी कैटेगरी में आते हैं तो आखिर इनमें भेदभाव क्यों? एक ही कैटेगरी में आने वाली जाति को दो जातियों में किसने बांटा? पाची शक्तिशाली है तो क्या चमार में लड़ने की हिम्मत नहीं? दुनिया भर में जाने जाने वाले चमार और पाची आखिर एक दूसरे से क्यों खफा रहते हैं? दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको सारी बातों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब भारत में दलितों यानी कि शूद्रों पर अत्याचार किए जाते थे, और अत्याचार इतने भयानक हुआ करते थे कि लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर खुदकुशी कर लिया करते थे। और उस समय ना कोई चमार था और ना ही कोई पासी, सबको बस एक ही नाम से जाना जाता था, वो नाम था शूद्र। और कुछ समय बाद ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण किया। उस समय जो जिस तरह का काम करता था उसको उसी हिसाब से जातियों में बांट दिया गया। जैसे ज्ञान देने वाला पंडित, व्यापार करने वाला बनिया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, चौकीदारी करने वाला पासी, और जो लाचार थे जिनको कोई काम नहीं आता था ब्राह्मणों ने उनको अपनी सेवा में लगा लिया और उनको सिर्फ शूद्र के नाम से ही जाना जाता था। और फिर इसी तरह कुछ समय बाद भारत में सिकंदर लोदी का शासन हुआ। उसने सभी भारतीयों से इस्लाम कबूलने की बात कही। बहुत लोगों ने तो डरवश इस्लाम कबूल लिया, शूद्रों ने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम नहीं कबूला। और इस वजह से सिकंदर लोदी गुस्सा होके शूद्रों को चमड़े के कामों में ढकेल लिया और इन्हें जलील करते हुए पहली बार उसने चमार शब्द का प्रयोग किया था, और तब से शूद्रों को चमार की जाति बना दिया गया। और सन 1950 में संविधान लागू होने के बाद सभी जातियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। दलित जाति को एससी में तथा महादलित को एससी कैटेगरी में रखा गया। पासी भी दलित जाति में आते थे इसलिए उन्हें भी एससी कैटेगरी में रखा गया। दोस्तों, एक समय था जब चमार क्षत्रिय जाति हुआ करते थे और पासी भी एक योद्धा राजा हुआ करते थे जो बड़े बड़े महावीरों को परास्त कर दिया करते थे। इन दोनों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता गया और ये धीरे धीरे कमजोर होते गए। इसी तरह पासी अपना पेट पालने के लिए सुअर चराना शुरू कर दिए और चमारों ने जूता चप्पल बनाने का काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और परिस्थितियां चढ़ती उतरती गईं, लेकिन आज चमार और पाची जातियों ने अपने बिरादरी में बहुत तरक्की किए हैं। बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इसी समाज से हैं, और तो और बहुत से आईएएस और बहुत से पीसीएस भी हैं। इतनी तरक्की करने के बाद भी इन दोनों जातियों में मतभेद क्यों रहता है? दरअसल दोस्तों, पासियों का मानना है कि वो चमार नहीं है, वो चमारों वाले काम नहीं करते, फिर भी लोग उनकी तुलना चमारों से करते हैं, और शायद यही वजह है कि पासी चमार जाति से नफरत करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, इसीलिए दोस्तों हम सबको मिलकर एक यूनिटी बनाकर रहना चाहिए। खैर, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।